आज का सवाल यह पार्ट टू है। एक आज के सवाल के रूप में पार्ट वन के आप लोगों को मैं डिलीवर कर चुका हूं और यूट्यूब पर उसको आप सॉल्यूशन के तौर पर देख चुके होंगे। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं और सबसे पहला जो जवाब जो मिला था वो शुभम के द्वारा मिला था। कुल मिलाकर के यहाँ समझना ये है कि आज के सवाल पार्ट टू में क्वेश्चन क्या था, बढ़िया समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, और दोनों पॉइंट चार्ज अलग अलग मीडियम में रखे हुए थे, जिसमें से एक का जो बाउंड्री से जो डिस्टेंस है R1 और एक जो बाउंड्री से जो डिस्टेंस है R2, और फाइनली तौर पर दोनों का अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2, और आपको बताना है फोर्स ऑन ईच चार्ज, या तो Q1 पर या Q2 पर टोटल फोर्स क्या होगा। यही क्वेश्चन है बाबू, अच्छी तरीके समझ लो कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन है कि टू पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट मीडियम व्हिच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द बाउंड्री रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज, यानी कि या तो Q1 पे या तो Q2 पर इसका जवाब चाहिए। कुल मिलाकर के इसको समझ लेना होगा कि यह बनेगा कैसे। यह एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इस लॉजिकल क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहां से आते हैं और पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में पढ़े थे कि अगर Q1 है और Q2 है और इसके बीच की दूरी R है तो फोर्स कितना लगता है। फॉर्मूला था Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। जबकि यही क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा यह बात भी कह दे कि अगर यह R दूरी पर है लेकिन यह किसी न किसी मीडियम में रखा हुआ है, तब इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है। तो ऊपर Q1 Q2 रहता है और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बगल में एप्सिलॉन R लिखा जाता है और R2। अब इसी में इस क्वेश्चन का राज छिपा हुआ है। क्वेश्चन का राज कैसे छिपा हुआ है यह थोड़ा सा आप यहां समझिए और पहले पता करने की कोशिश कीजिए कि अगर मान के चलो कि अगर फ्री में एयर में है, फ्री स्पेस में यदि है तो फॉर्मूला यह है, और यदि किसी किसी मीडियम में यदि है तो फॉर्मूला यह है। अगर बाय द वे ये अगर उतना ही फोर्स यदि लगाने की बात करें जितना इस मीडियम में कर रहा है तो इसकी दूरी कितनी मानी जाएगी। समझो ये एयर के लिए था और यह मीडियम के लिए था। एयर में यह फॉर्मूला होता है और मीडियम में यह फॉर्मूला होता है। अगर हम मीडियम में लगने वाले फोर्स की तुलना यदि एयर में लगने वाले फोर्स के बराबरी में करने लगे तो कितना इफेक्टिव डिस्टेंस रखेंगे ताकि उतना ही फोर्स लगे जितना आपको मीडियम में लग रहा है। जरा गौर करो, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे रूट एप्सिलॉन R और पूरा R इसका होल स्क्वायर। जरा गौर करो तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अरेंज किए हैं।
ये जो अपसलन आर जो था उसको हम इसके साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अगर स्क्वायर खत्म करोगे तो देखो गौर करना पुनः यही आ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशंस में जरा यह समझो कि Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught इसको हम R डैश यदि मान लें तो इसका स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग मीडियम पर लगने वाले फोर्स की तुलना एयर में यदि हम करने लगे तो इसका इफेक्टिव जो दूरी होगा रूट अंडर एप्सिलॉन आर इंटू आर। देखो इसके स्थान पर हम आर डैश की तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि एयर में यदि हम आर दूरी रखेंगे जितना फोर्स लगता है इस आर में यदि हम इतनी दूरी पर ला करके रख दें तो यह उतना ही के बराबर होगा जितना मीडियम पर लगने वाले फोर्स के बराबर है। अब हम लोग यही गेम खेलने जा रहे हैं। रियल में प्रॉब्लम कहां था? आपके पास दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीडियम था और एक मीडियम की दूरी चार्ज से जो था वह आर वन था और एक से इसकी जो दूरी था वह आर टू था। यह सब थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर वन और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर टू, तो इसके बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस मान रहे हो फिलहाल अगर देखने के हिसाब से समझे तो आर वन प्लस आर टू, लेकिन रियल में यह मीडियम में रखा हुआ है। अगर यह सिर्फ फ्री स्पेस में होता तो आर वन प्लस आर टू इसका रियल डिस्टेंस होता। देखिए जरा गौर करो कि जब हम मीडियम में जब जाते हैं तो रियल डिस्टेंस आर न हो करके अंडर रूट एप्सिलॉन आर गुने आर हो रहा है। तो ये जो आर वन डिस्टेंस जो अगर देख रहे हो इस मीडियम के लिए यदि सोचोगे तो इफेक्टिव आपका डिस्टेंस कितना माना जाएगा? अंडर रूट एप्सिलॉन आर वन इंटू आर वन। और ये जो दूरी बता रहा है इस मीडियम में आर टू, इसका इफेक्टिव डिस्टेंस हम लोग माने तो क्या मानेंगे? अंडर रूट एप्सिलॉन आर टू इंटू आर टू। क्या हम किए समझ में नहीं आया होगा? देखो दोबारा, यहां हम मीडियम में जब फोर्स निकालते हैं और इसकी तुलना जब हम एयर से करते हैं तो इफेक्टिव जो डिस्टेंस होता है वह इतना होता है। यानी कि अगर हम मीडियम से हटा करके एयर में लेके जाएंगे और इतनी दूरी यदि हम कर देंगे तो उतना ही फोर्स लगेगा। अब समस्या यह है कि इसमें दो मीडियम था तो R1 और R2 रियल दूरी आप देख रहे हैं लेकिन मीडियम का असर हो जाने के कारण इसका इफेक्टिव दूरी इस फॉर्मूला से निकालेंगे। R1 होते हुए इफेक्टिव डिस्टेंस ये होगा और R2 होते हुए इफेक्टिव डिस्टेंस ये होगा। अब दोनों के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो कितना हुआ? गौर करना। अब अगर ऐसे सिचुएशंस में समझो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इफेक्टिव डिस्टेंस और इसका होल स्क्वायर। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना माना जाएगा? तो आर इफेक्टिव यदि सोचोगे तो इसके हिसाब से अब आर वन नहीं रहा, अंडर रूट एप्सिलॉन आर वन इंटू आर वन रहा। और इसके हिसाब से सोचोगे तो अंडर रूट एप्सिलॉन आर टू इंटू आर टू रहा। यही चीज हमको यहां रख देना है। आपका आंसर क्या होने वाला है अगर नेट फोर्स यदि निकाला जाए तो किसी भी चार्ज पर? फॉर्मूला क्या बनेगा? Q1 Q2 ऊपर लिखा जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R इफेक्टिव के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? अंडर रूट एप्सिलॉन आर वन गुने आर वन प्लस फिर यह लिखाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन आर टू गुने आर टू आई इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। फाइनल फॉर्मूला आपको यही होने जा रहा है।
कुल मिलाकर के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हम लोग और कुछ किए नहीं, एक फ्री स्पेस पर लगने वाले फोर्स की तुलना एक मीडियम में रखने वाले फोर्स से करने लगे। तो इसकी दूरी यदि r होगा और जितना फोर्स यह लगेगा, अगर इसकी दूरी अंडर रूट एप्सिलॉन r गुने r रखते तो उतना ही फोर्स लगता। ये आप जो देख रहे हो r डिस्टेंस पर एयर में देख रहे हो, और ये इतने डिस्टेंस पर रख दोगे तो इस पर लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स बात बराबर माने जाएगा। इसका मतलब कि r इफेक्टिव अगर r है तो मीडियम से तुलना करने पर r इफेक्टिव आपका अंडर रूट एप्सिलॉन r गुने r होता है, और इसी का कॉन्सेप्ट डाल करके हमने इसको बनाया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर पार्ट वाइज इस वीडियो को रिपीट करके और बहुत सावधानी पूर्वक इसको समझिएगा। अगर उसके बाद भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। यह है कुल मिलाकर आज के सवाल का दूसरा पार्ट, और इसी सेक्शन में हम आप लोगों को आज के सवाल का तीसरा पार्ट आप लोगों को देने जा रहे हैं। इसका जवाब आप लोग निकाल करके हमें बताइएगा इसका फाइनल आंसर क्या होगा। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, हाई लेवल में भी सोचना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन जो आज के सवाल में पार्ट थ्री में अगर जाएंगे तो क्वेश्चन ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट बिल्कुल स्क्वायरल प्लेट है, लेकिन इसमें से एक जो प्लेट है वह हल्का सा तिरछा है और यह थीटा एंगल पे तिरछा है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह डी है। अब आपको बताना है कि इसका इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो, एक प्लेट यहां रखा हुआ है और एक प्लेट जस्ट इसके पैरेलल में ना होकर के हल्का सा तिरछा रखा हुआ है, और यह जो हल्का सा जो तिरछा हुआ है वो थीटा एंगल पे हुआ है। ध्यान दीजिएगा थीटा जो है वेरी स्मॉल है, और इसके बीच की जो दूरी है वह डी है। इसका जो लंबाई और चौड़ाई है ए और ए है। बताना है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट हल्का सा तिरछा है तो बताना है कि इसका इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया समझिएगा और इसको बताने की कोशिश कीजिएगा। हम पार्ट थ्री में इसका फिर सॉल्यूशन आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।